हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेल फ्रेंड्स, तो बीपीएससी AE02/2017 का जैसा कि आपको पता है, कल शाम में रिज़ल्ट आ गया है। और कल मैंने दोपहर में ही एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कि बताया था कुछ घंटों में रिज़ल्ट आ रहा है और काम चल रहा है, और ऐसा ही हुआ, रिज़ल्ट आपका पब्लिश हो गया। तो बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ आपके साथ शेयर किया था फ्रेंड्स। इस वीडियो में एक नॉर्मल सा वीडियो है क्योंकि कई सारे हम में से कैंडिडेट्स हैं जिनका कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, वो मोमेंट जो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम होता है फ्रेंड्स, तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो है, देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने अपने सहायक अभियंता सिविल परीक्षा 2017 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है, जैसा कि आप लोग को पता है, और वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, और आप लोगों ने देख भी लिया होगा अपना रिजल्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह आयोग द्वारा सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन की आंसर की भी जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा सामान्य इंजीनियरिंग विज्ञान सिविल इंजीनियरिंग पेपर 5 और सिविल इंजीनियरिंग पेपर 6 की आंसर की भी जारी कर दी गई है। तो आंसर की भी जारी कर दी गई है, जहाँ कि आप देख सकते हैं अपना BPSC ने लंबे समय के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू आयोजित किए। तो कोविड की वजह से कई कैंडिडेट्स जो अफेक्टेड हो गए थे, तो उसकी वजह से अभी इस मंथ में भी जून लास्ट में भी उनका इंटरव्यू चला था। ओके फ्रेंड्स, आयोग ने मेरिट लिस्ट तैयार करते समय आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार एवं लिखित परीक्षा दोनों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपालन किया है। तो आपको बता दूं, जो अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ जो लिखित परीक्षा रिटेंस के थे वो 392, इसी तरह अंतिम परीक्षा के लिए कट ऑफ मार्क्स 477 थे। तो आप देख सकते हैं जो जिन्होंने रिटर्न क्लियर किया होगा उनको इंटरव्यू में एटलीस्ट कितने मार्क्स चाहिए होंगे फ्रेंड, तो 85 मार्क्स उनको चाहिए होगा, तभी उन्होंने क्लियर किया होगा। तो कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका रिटर्न में तो क्लियर हो गया था, बट वो फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसमें नहीं आ पाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वही लिखित परीक्षा के लिए अनारक्षित अनरिजर्व लेडीज़ के लिए कट ऑफ मार्क्स 275 था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप में से कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती, और आने वाला अभी टाइम है, काफ़ी एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये टाइम ऑब्वियसली पेनफुल होता है बिकॉज हम काफ़ी कुछ सोच लेते हैं अपने बारे में, इमेजिन कर लेते हैं अपने आगे की लाइफ। आप जैसा कि ये 02/2017 का है, तो कई सारे आप में से वो ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो फ्रेंड इसको कभी भी उतना हार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, बट नहीं फ्रेंड्स, ये आपकी इच्छा शक्ति जो अंदर से आपको फिर से खड़े उठने के लिए, इसके लिए एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए आपको फिर से एनर्जी देती है, और आप और बेहतर ढंग से आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें प्रिपरेशन करें। जैसा कि आपको पता है, अभी जो ऑनगोइंग एग्ज़ाम AE के चल रहे हैं, 01/2019, 03/2019 और 2020 का भी, 03/2020 एंड 07/2020 जो कि सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम ऑनगोइंग हैं। ओके फ्रेंड्स, और आने वाले समय में भी जल्द ही आगे का भी जो असिस्टेंट इंजीनियर की है वैकेंसी शेड्यूल्ड हैं। तो बिल्कुल आप यू गो थ्रू सिलेबस, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, और रेगुलर रहना जो एक वो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें अगर आपका नहीं हो पाया है तो। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मैंने बता दिया, यू गो थ्रू योर सिलेबस, रेगुलर रहना, ये सारी की टू सक्सेस आपका रहेगा। बाकी इसके अलावा जो अपने इंटरव्यू है फ्रेंड्स, कई बार हम रिटर्न तो क्लियर कर लेते हैं बट इंटरव्यू को ज़्यादा लाइटली लेते हैं कि वो कम मार्क्स का होता है, बट नहीं फ्रेंड्स, इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरव्यू इज़ एक्चुअली टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, राइट? इफ़ यू हैव क्लियर द रिटर्न, इट मीन्स यू हैव द नॉलेज, उस पोस्ट के लिए जो नॉलेज चाहिए वो तो फ्रेंड आपके पास है ही। तो अपने आप को भी संवारने की कोशिश करें, अपने आप में निखार लाएं। निखार हम कैसे ला सकते हैं? आप योगा करें, मेडिटेशन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई करें तो आप 6, 7, 8 घंटे आप सोएं भी, ताकि आपको पूरी नींद पूरी हो और आप फ्रेश हो सकें। और ऐसा नहीं है फ्रेंड कि सपोज आप 4 घंटे ही सो रहे हो और फिर आपका जो होल डे है वो ऐसे ही, मतलब आप फुल एनर्जी के साथ नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड जिसको कि अपना के आप अपने रिजल्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। और ख़ासकर इंटरव्यू की जहाँ तक बात है फ्रेंड, इस पर अगर आपको कोई सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन करें अगर कोई आपको डाउट होता है, बिकॉज इंटरव्यू का मेन जो मकसद होता है वो आप सोसाइटी को कैसे जानते हो, अपने आप को कैसे जानते हो, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, किसी सिचुएशन को आप कैसे रिएक्ट करते हो,
जो इंटरव्यू बोर्ड में आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं बोर्ड मेंबर्स, सपोज करंट अफेयर्स का ही हो, अगर आप नहीं जानते हो तो उसका रिप्लाई कैसे दे, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप जवाब जानते हो या नहीं जानते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपने आपका जो आपका प्रिपरेशन है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, उसमें भी छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपने रिजल्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड, अगर आप चाहते हो इंटरव्यू पे या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी हम वीडियो डालते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स, और आप उस वीडियो को देख सकें और आपको फ़ायदा पहुँच पाए फ्रेंड्स। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।